जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, स्थानीय लेवल पर खुफिया और सुरक्षा दायरा और बढ़ाया जाए, कश्मीर में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जहां इस तरह की वारदात हो सकती है, आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए, किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। गृह मंत्री को बैठक के दौरान बताया गया कि इस पूरे मामले में एंटी टेररिज्म ग्रिड पूरी तरह से एक्टिव है। हाल के दिनों में देखा गया कि कश्मीर में आतंकी आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहा है। गुरुवार को ही घाटी में आतंकियों ने दो वारदातों को अंजाम दिया था। आतंकियों ने बडगाम जिले में दो मजदूरों को गोली मार दी थी। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। इससे पहले दिन में आतंकियों ने घाटी में एक बैंक कर्मी की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मध्य कश्मीर जिले के चडूरा इलाके में स्थित ईंट भट्टा पर काम कर रहे दो गैर स्थानीय मजदूरों पर गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि ये घटना करीब रात 9:10 पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि हमले में दिलकुश कुमार और घूरी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गुरी को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 17 वर्षीय दिलकुश ने SMHS अस्पताल में दम तोड़ दिया। इन घटनाओं के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भी बैठक बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल ने दोपहर बाद करीब एक घंटे तक अमित शाह के साथ उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में बातचीत की। कश्मीर घाटी में 1 मई से अब तक लक्षित हत्या के 9 मामले आ चुके हैं। जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले की रहने वाली एक शिक्षिका की आतंकवादियों ने कश्मीर के कुलगांव में मंगलवार को हत्या कर दी थी। वहीं 18 मई को आतंकवादी उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान में दाखिल हुए और ग्रेनेड फेंका, जिससे जम्मू के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घाटी में 24 मई को पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की आतंकवादियों ने श्रीनगर स्थित उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि इस घटना के 2 दिन बाद बडगाम में आतंकवादियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर दी। वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल भट्ट की हत्या के बाद पलायन की धमकी दे रहे हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।